हेलो एवरीवन, आज हम लोग टिम्बर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उसके यूजेस क्या क्या हैं और उसके एक्सटेंडेड में हम उसको और कैसे कैसे डेफिनेटिंग कर सकते हैं, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, सीजनिंग क्या है, ये सब चीज़ें हम अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और आज हमारा वही टॉपिक है एंड आर सब्जेक्ट कोड इज 302। ठीक है, आई एम मृणाल पटले, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस। तो हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टिम्बर क्या क्या होती है। एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में अपीयरेंस आता है, सेकंड कलर आता है कि कलर शुड बी डार्क, ठीक है, डिफेक्ट से वो फ्री होना चाहिए, उसमें मतलब कोई नॉट नहीं होना चाहिए, कोई फंगल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, कोई शेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल, अ गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल एंड द कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द एक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, फंगी, केमिकल और फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक सन रेज का इफेक्ट या फिर वाटर इफेक्ट और द विंड इफेक्ट ऑन द टिम्बर, दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस टिम्बर। ओके, जो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, देख रहे हैं इलास्टिसिटी, द टिम्बर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन लोड कॉजिंग इट्स डिफॉर्म इज रिमूव्ड। ओके, फायर रेजिस्टेंस शुड बी डेंस होना चाहिए, हार्डनेस शुड बी हार्ड। ओके, मैकेनिकल वियर एंड टीयर में भी, एब्रेशंस में भी वो उसका क्वालिटी वॉज गुड होना चाहिए। शेप शुड बी कैपेबल टू रिटेन द शेप सो दैट वी कैन कन्वर्ट इन टू द एनी शेप ऑफ दिस, डिजाइनिंग के लिए हम उसको काम में कर सकते हैं। गुंडर टिम्बर का जो स्मेल होना चाहिए इट शुड बी द गुड प्लीजेंट वन। साउंड आफ्टर स्ट्रकिंग दैट इज द रिंगिंग साउंड एंड द स्ट्रेंथ शुड बी शुड सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग फॉर वर्किंग एज स्ट्रक्चरल मेम्बर सच एज द बीम, राफ्टर एक्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज द प्रोसीजर ऑफ टिम्बर, कि अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होती है टिम्बर के लिए। फर्स्ट होता है फॉलिंग ऑफ ट्री, सेकंड होता है सीजनिंग ऑफ ट्री, फिर उसके बाद में हम जो देखेंगे उसके क्या होता है, कटिंग वगैरह होती है। ठीक है, फॉलिंग दैट इज़ क्या होता है कि हमें कोई भी ट्री कब काटना चाहिए, किस एज में काटना चाहिए, दैट इज़ ऑप्टिमम एज नियर अबाउट 50 to 100 years। एंड वो कैसा होना चाहिए, ओवरबर्डन अगर ओवर मैच्योर है 50 या 100 के ऊपर से तो क्या हो जाएगा, डिकेइंग ऑफ फूड स्टार्ट हो जाएगा। अगर अंडर मैच्योर होगा तो सैप फूड उसका क्या हो जाएगा, मतलब जो स्ट्रेंथ उसको देता है वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसकी ग्रोथ ही नहीं है, क्योंकि वो अंडर मैच्योर है। ठीक है, अब देखते हैं कि कटिंग के बाद हम उसका क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग क्यों करते हैं, सीजनिंग मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ट्री आफ्टर कटिंग, दैट इज़ नोन एज अ सीजनिंग। ठीक है, न्यूली फॉलन ट्री कंटेन मॉइस्चर अप टू 50% विच नीड टू बी रिमूव बिफोर यूजिंग एनी इंजीनियरिंग एक्टिविटी। दिस प्रोसेस of drying the timber to make it fit for the engineering use is known as the seasoning. Water is representing the moisture in the sap. During seasoning, this free water is removed from the tree and the point at which it is completely removed in terms of the fiber saturated. Seasoning is done up to the moisture content 10 to 12%, but practically its limit is near about the 15%. Advantage of seasoning are, it reduce the weight because it remove the moisture. Moisture remove, that means what? It will be dry. After dry, its weight is low. It is strong and durable. It has a resistance to decay or the rot. It can high polished. It is easy to work and the life is more. There are the two types of the seasoning. First one is artificial seasoning. Second one is a natural seasoning. When the artificial seasoning saying, the boiling, electric kiln, chemicals, this kiln, and the natural seasoning is the air seasoning, water seasoning and all. Now the next one is artificial seasoning. This is the boiling. Okay, boiling is what? You will take this timber and boil it in the pan or something. Okay, it is a 3 to 4 hour process. But boiling is the quickest method of the seasoning, but it is very costly. The second method is electrical seasoning with the help of the alternate current. And wood is normally bad conductor of electricity, so heat is produced and directly the moisture will be removed in the form of the vapor. This is the most rapid method but uneconomical. Now the next one is the kiln seasoning. With the help of the kiln, they are all the heaters are available around this timber and the water will be removed. Uske baad mein hum dekhte chemical seasoning. Some chemicals, when we deep these timbers into the chemical, it will directly remove the water from this, from reverse osmosis process. Okay, and this is 30 to 40 days of the method. In this method, the long
द लॉक्स आर इमर्ज इन द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन एंड हेल्प फॉर ब्रिंगिंग डाउन द ड्यूरेशन ऑफ द सीजनिंग. अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं नेचुरल सीजनिंग. दे आर द टू टाइप्स इंपॉर्टेंटली. फर्स्ट वन इज द एयर सीजनिंग, दैट मीन्स वी टेक दिस टिम्बर एंड पुट इट इन द एनवायरमेंटल क्लीन एनवायरमेंट. सो दिस टाइप ऑफ वन सीजनिंग. एंड द सेकेंड वन इज अ वाटर सीजनिंग, दैट मीन्स वॉट इन वाटर सीजनिंग द टिम्बर लॉग आर कैप्ड इमर्ज इन द होल इन द फ्लोइंग वाटर. द सैप प्रेजेंट इन द टिम्बर इज वॉस्ड अवे. आफ्टर दैट लॉग आर टेकन आउट फ्रॉम द वाटर एंड आर कैप्ड इन ओपन एयर. सो वाटर प्रेजेंट इन टिम्बर वुड बी ड्राई आफ्टर बाय एयर. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सीजनिंग इज 2 to 4 weeks. एंड दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ द टिम्बर. नाउ वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ द टिम्बर. देर आर द यूजेस ऑफ द टिम्बर. सो मेनी यूजेस आर देयर फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस पोस्ट, बीम, राफ्टर कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, पाइल पोल कंस्ट्रक्शन, इवन द रेलवे स्लीपर्स, फर्नीचर मेकिंग. आफ्टर दैट लाइट पैकिंग केसेस, पैकिंग केसेस, मशीनरी और द स्माइल स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, फॉर मेकिंग टॉयज एक्सेट्रा एंड फॉर मेकिंग द वर्नियर एंड द प्लेस. नाउ हम इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं. बट आज के लिए इतना ही. और जो हम डिफेक्ट्स देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.